हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का वर्कशीट 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर चैप्टर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है मिस्टर कुमार परचेज ए साड़ी फॉर रुपीज 485.55, ए शर्ट फॉर रुपीज 269.40 एंड ए टाई फॉर रुपीज 65.25। फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार। ओके, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है वही फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ साड़ी, कॉस्ट ऑफ साड़ी क्या है? रुपीज 485.55। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना है? रुपीज 269.40। ओके, नेक्स्ट टाई है, कहेंगे कॉस्ट ऑफ टाई इज इक्वल टू रुपीज 65.25। देखिए टोटल ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना पैसा खर्च हुआ है। ऐड करेंगे 5 + 0 5 + 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 2 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 2 6, 6 + 2 8। आंसर आ गया हमारा 820.20। लिखेंगे सो द टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार इज इक्वल टू रुपीज 820.20। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है द हाइट ऑफ राम इज 1.75 मीटर, हिज ब्रदर श्याम इज 0.5 मीटर टॉलर देन राम, व्हाट इज द हाइट ऑफ श्याम? देखिए राम का हाइट दिया है 1.75 मीटर, हिज ब्रदर श्याम, उसका श्याम का हाइट कितना है? 0.5 मीटर टॉलर देन राम, राम से 0.5 मीटर ज्यादा लंबा है। तो पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ श्याम। क्या करेंगे? राम और जो ये बढ़ा हुआ हाइट है इसको ऐड कर देंगे, शाम का हाइट आ जाएगा। लिखेंगे हाइट ऑफ राम इज इक्वल टू 1.75 मीटर। क्या कितना ज्यादा है? मोर हाइट ऑफ श्याम राम से कितना ज्यादा है? 0.5 मीटर। ऐड कर देंगे ना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे लाइक डेसिमल नंबर बनाने के लिए, 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2.25 मीटर। हमारा आंसर आ गया। लिखेंगे सो हाइट ऑफ श्याम इज इक्वल टू 2.25 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है ए शॉपकीपर हैड 32.5 kg एप्पल्स, 25.25 kg मैंगोज एंड 9.75 kg पियर्स, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट ही हैड? ओके, देखिए एप्पल कितना है? 32.5 kg, मैंगोज है 25.25 kg एंड पियर्स है 9.75 kg। टोटल वेट कितना है फ्रूट का वही फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ एप्पल्स कितना है? 32.5 kg। नेक्स्ट लिखेंगे वेट ऑफ मैंगोज कितना है? वेट ऑफ मैंगोज 25.25 kg, 25.25 kg। ओके, नेक्स्ट वेट ऑफ पियर्स कितना है? 9.75 kg। के टोटल वेट लिखेंगे, ऐड कर देंगे इसको। देखिए इसको डेसिमल लाइक डेसिमल नंबर बनाने के लिए जीरो बढ़ा लेंगे, 0 + 5 5 5 + 5 10 का जीरो हो जाएगा, 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 7 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 9 17, 7 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 1 4 4 + 2 6, 67.50 kg आंसर आ गया। लिखेंगे सो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 67.50 kg, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन सोल्ड 26.55 लीटर मिल्क ऑन द फर्स्ट डे, 35.755 लीटर मिल्क ऑन द सेकेंड डे and 42.5 liter milk on the third day. Find the total quantity of milk sold on 3 days. ठीक है, फर्स्ट डे में कितना सोल्ड किया है, 26.55 लीटर, सेकेंड डे 35.755 लीटर एंड थर्ड डे 42.5 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है मिल्क का, वही फाइंड करना है। इसे लिखेंगे मिल्क सोल्ड ऑन फर्स्ट डे सोल्ड हुआ है 26.55 लीटर। ओके, नेक्स्ट मिल्क सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे कितना सोल्ड हुआ है, 35.755 लीटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड डे का लिखेंगे, मिल्क सोल्ड ऑन थर्ड डे कितना है, 42.5 लीटर्स। ओके, तीनों दिन का जोड़ लेंगे, इसको ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। देखिए इसको लाइक डेसिमल नंबर बनाएंगे, जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी जीरो, 0 + 5 + 0 5 हो जाएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 7 13, 13 + 5 18, 8 हो जाएगा, 1 कैरी, डेसिमल लगाएंगे, 6 + 1 7 7 + 5 12, 12 + 2 14, इनका 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3 3 + 3 6, 6 + 4 10, 104.805 लीटर। ओके, लिखेंगे सो total quantity of milk sold on 3 days is equal to 104.805 liters. Okay, next ये question है, अंजलि स्पेंड ₹25 on ice cream, ₹17.50 on chips and ₹12.50 on a pen. Find the total money spent by Anjali. देखिए आइसक्रीम पे ₹25 खर्च किए हैं, चिप्स पे 17.50 एंड पेन पे 12.50। पूछा है फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि। ओके, लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन आइसक्रीम हो जाएगा ₹25। ओके, नेक्स्ट मनी स्पेंड ऑन चिप्स कितना है, 17.50। ओके, नेक्स्ट है पेन, मनी स्पेंड ऑन पेन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रुपीस लिखेंगे, ₹12.50। ठीक है, ऐड कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल लाइक डेसिमल नंबर बनाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे आगे, ऐड करेंगे, 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 + 0 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 1 6 6 + 7 13, 13 + 2 15 का 5, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ₹55.00 आंसर आ गया। लिखेंगे सो टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि इज इक्वल टू ₹55, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके।